Good morning, ma'am. Good morning. Please have a seat. Thank you, ma'am. So, this is your practical file? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, तो कुछ practicals आपने करे होंगे अभी? Yes, ma'am. तो क्या samples मिले थे आपको? SCL, lemon juice, etc. ये सब मिले थे मुझे. ठीक है, तो pH calculate करा होगा आपने इनका? Yes, ma'am. SCL का याद है? SCL का 1 या 2 था शायद. ठीक है, पीएच की फुल फॉर्म बता सकते हो आप मुझे? मैम आई डोंट रिमेम्बर. ओके, इमोशनल डैमेज. चलो कोई बात नहीं. कोई इंडिकेटर जो आपको याद हो? लिटमस. ओके, तो एसिड में कैसा कलर चेंज लिटमस दिखाता है? रेड से ब्लू हो जाता है. और एक जनरल क्वेश्चंस अगर मैं सिलेबस से पूछूं आप आंसर कर सकते हो? यस मैम. मतलब पढ़ रखा है फॉर बोर्ड्स? यस मैम. ठीक है, चलो. तो अगर सोडियम सल्फेट मैंने लिया है और उसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या रिएक्शन होगी? आई गेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वाइवा तो बहुत अच्छा जा रहा था, बट बच्चे ने ना एक मिस्टेक कर दी. उसने कह दिया आई गेस. आपको इस टाइप के स्टेटमेंट्स का ना कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है व्हेन यू आर श्योर अबाउट द आंसर. हाँ, जब आप अनश्योर हो तब ज़रूर बोल सकते हो मैम आई थिंक सो. और अगर मैम बोलेगी कि आई थिंक सो या फिर यही है, तो आप कह दो मैम आई कांट रिमेम्बर क्लियरली. ठीक है, अगर आप अनश्योर हो, बट जब भी आप श्योर हो तो कभी भी आई गेस, आई थिंक सो इस टाइप के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है. और प्रेसिपिटेट बनेगा इस रिएक्शन में, किसका बनेगा? कुछ ध्यान? नो आइडिया. ठीक है, कलर बता सकते हो प्रेसिपिटेट का कलर याद है वो अगर? नो मैम, आई डोंट रिमेम्बर. तो आपने सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा है? यस मैम. ठीक है, पीओपी नाम सुना है आपने? सुना? यस मैम. ओह माय गॉड. तो फुल फॉर्म बता सकते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस. राइट. जब भी आपको आंसर आता है ना, तो सिंपली टीचर को बोल दो कि मैम ये है आंसर. कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि मैम ये है आंसर. राइट. क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करता है जब आप इस टाइप के स्टेटमेंट्स अपने टीचर को बोल रहे होते हो. तो सिंपली अगर आपको आंसर आता है तो आंसर बोल दो. आपको कॉन्फिडेंट होना है, बट मेक श्योर कि आप ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी साउंड ना करो. ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी गुड. और यूज कभी सुना है पीओपी? कभी आप आसपास ऐसे यूज करते हो? यस मैम, ये हम घर वगैरह में यूज करते हैं पीओपी ऊपर अपने वॉल्स के लिए. ठीक है, और डॉक्टर्स कभी इस्तेमाल करते हैं ऐसा सुनो? या वो पट्टी वगैरह के लिए जो प्लास्टर उसके लिए. वेरी गुड, वेरी गुड. और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते हैं, लाइक नॉमेनक्लेचर वगैरह करना कार्बोनेट्स कंपाउंड से? नहीं मैम, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया. नहीं करा अभी? चलो कोई बात नहीं. तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? मैम चल रही है अभी तो. बट डू यू एक्सपेक्ट कि आप कितना स्कोर कर सकते हो? मैम 90%. ठीक है. इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल आपने करा या यही वाला प्रैक्टिकल आपको मिला था? मैम अभी तो यही किया था मैंने. ओके, ठीक है. वैसे करे होंगे जब आपको लैब वगैरह में ले जाते होंगे. मैम ठीक है. तो अगर कोई भी मेरे पास मेटल है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है? यस मैम. ठीक है, वेरी गुड. और इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन का डिटेक्शन टेस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपने नाम सुना होगा, तो इसका डिटेक्शन टेस्ट आपको याद है? नो मैम. ओके, चलो कोई बात नहीं. तो कॉपर रिएक्ट करता है फेरस सल्फेट के साथ? यस. नहीं मैम. जब भी टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर या तो यस या फिर नो होना चाहिए, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है और उससे पहले आपको सोचना है. सो ऑलवेज थिंक एंड देन आंसर. ऐसा ना हो कि आपने पहले यस आंसर कर दिया उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैम इसका आंसर तो नो है. आपको ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू थिंक प्रॉपरली एंड देन आंसर, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको आंसर आता है. तो कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट भी करना है. टीचर के सामने ये इमेज नहीं बनानी है कि हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं. यस या नहीं? नहीं. ठीक है, नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है. ठीक है. और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी कुछ फ्लेम आती है जब उन्हें बर्न करते हैं, तो कलर क्या होता है फ्लेम का? ब्लू. ब्लू. ओके, वेरी गुड. तो दिशा ये बताओ कि आपको एक्सपेरिमेंट कौन सा मिला था? सर ओम्स लॉ का मिला था. ओम्स लॉ का मिला था. ठीक है, तो क्या किया आपने ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में?
कैसे एक्सपेरिमेंट किया? सर उसमें वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज्यादा किया था। और सर इतना ही। तो वोल्टेज की वैल्यू को कम ज्यादा किया तो आपको कुछ इसका इफेक्ट नहीं नजर आया? हाँ, करंट उससे चेंज हो रहा था। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन तो सर आई डोंट नो। इमोशनल डैमेज। कंक्लूजन नहीं समझ में आया? तो आपने लगता है ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे? सर प्रैक्टिकल किया था मैंने। प्रैक्टिकल किया था तो प्रैक्टिकल समझने के लिए तो करते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं। ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि जैसे जैसे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करेंगे, सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिक्रीज करेंगे तो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। चलो, और कुछ लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताओ कि हमारे गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है? आई गेस कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता है, चलो बढ़िया है। अच्छा, रियोस्टेट का नाम सुना है? यस सर। तो रियोस्टेट डिवाइस किस लिए यूज करते हैं हम लोग? सर वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको ऊपर नीचे करने के लिए होता है। अच्छा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए होता है, ऐसा आप कह रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है बताओ तो जरा। सर पढ़ा है पर अभी याद नहीं आ रहा। होता है अक्सर वाइवा में आती हुई चीज भूल जाते हैं बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा सॉफ्ट आयरन का मटेरियल होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब आ जाती है जब हम इस सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को रखते हैं सोलेनोइड के कोर में, यानी सोलेनोइड के अंदर। सोलेनोइड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर देता है सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को, और अब इसी सॉफ्ट आयरन के मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये बताओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड कोई घर में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज होता हो, कुछ डिवाइसेस का नाम बताओ। सर एक सेकंड। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, बताओ डिवाइसेस का नाम। आज घर से आए होगे तो घर में कोई डिवाइसेस होंगी ना जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करती होंगी। तो ऐसे दो तीन डिवाइसेस का नाम बताओ। चलो एक ही बताओ। नहीं याद आ रहा। नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, अभी बोर्ड एग्जाम के लिए और पढ़ना है। चलो ठीक है। हमारे घरों में यूज होने वाले गीजर, आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, ये सभी एग्जाम्पल हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के जो वर्क करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, जो ये कहता है कि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट में है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, और उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा ये बताओ, आपने दो रूल सुना होगा, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो दोनों में कुछ डिफरेंस बता सकते हो? सर ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, तो अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर का है इतना तो पता है ना? हाँ। कुछ और पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में? नहीं। नहीं तो पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अरे मेरे समोसे का क्या हुआ? लारे सर, लारे। ले आओ ले आओ ले आओ। ठीक है सर। अरे वाह, क्या बात है। कचौड़ी भी। कचौड़ी भी है, अच्छा चलो खाते हैं अभी। अच्छा ये बताओ दिशा कि ये जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है आप ही की है कि कहीं से कोचुराया तो नहीं है? नहीं, मेरी है। अच्छा दिशा ये बताओ कि आपके आयरिस का कलर क्या है? सर डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन। आयरिस जानते हो ना कहाँ होता है? कहाँ? सर आइस में। हाँ बिल्कुल सही बात, तो सही कही आपने। तो आंखों का कलर आयरिस से डिसाइड होता है। ठीक है चलो ठीक है। स्काई नीला क्यों दिखाई देता है? सर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्यों है, कौन करता है स्कैटरिंग? नहीं पता। नहीं।
तो इसका मतलब थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है चलो। आसमान नीला दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, लेकिन आखिर स्कैटरिंग होता किसके वजह से है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, या वो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, या सैंड के पार्टिकल्स हैं, या स्मोक पार्टिकल्स हैं, या वाटर ड्रॉपलेट हैं, इन्हीं पार्टिकल्स के वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है। ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है और इसीलिए आसमान नीला दिखाई देता है। तो कोई बात नहीं, आपका जो वाइवा है ठीक है, अच्छा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और इम्प्रूव करें। सो दिशा, हाउ डू यू कम टू स्कूल? मैम बाय बस। यू कम बाय बस, वेयर डू यू स्टे? इन छतरपुर। इन छतरपुर, ओके। सो दिशा, डू यू लाइक एनी गेम्स? या आई लाइक बैडमिंटन। बैडमिंटन, यस मैम। यू नो एनी प्लेयर हु प्लेज बैडमिंटन? यस मैम, सानिया नेहवाल। एंड यू प्ले एज वेल? Yes, ma'am, sometimes. Very nice. So, you know the difference between indoor games and outdoor games? Yes, ma'am. Okay. Can you explain? Like, indoor games are those like that, like carom board and chess that can be played inside the home and vicinity. The, Okay. And outdoor are like more physically, like badminton, table tennis. Okay. So, what kind of games do you like? Usually I like to play badminton, but apart from badminton, I also like cricket. So you like outdoor games? Yes, ma'am. Okay. All right. Disha, tell me, what do you want to be in your life? Do you have any future plans? Yeah, I want to be social media influencer. Nice. And what do you do in your free time? In my free time, I used to prioritize myself in the activities like reading books. Okay. You like reading books. That's your hobby. Yes, ma'am. Okay. And also, I used to spend my time with my family. You spend time with your family as well. Mm. That's your hobby. Yes, ma'am. Right. Very good. So, Disha, now I think we know each other very well. And we are ready for the second part of this assessment. Okay. So, I have few slips. I'm going to show you these slips. Every slip has one topic in it. Select one out of them, whichever topic comes, you have to speak on that topic for 1 minute, impromptu. All right? Okay, ma'am. So I'll give you 60 seconds to think about it. Sure. All right. So these are four topics you have. Select any one of them. Okay, ma'am. I will choose this. Okay. Oh, so my topic is the rise of technology. The rise of technology. All right. Yes. So you ready with this? Ma'am. Or you need some time to think about it? Just a minute. All right. Okay. So, let me know once you're ready. Okay, ma'am. Okay, we can start. All the best. Thank you, ma'am. The rise of technology has changed our lives completely, fostering global connections and unparalleled innovations. Basically, technology is like superhero. The mobile phones we use, the internet we use, and the AI tools we use, the latest AI tools, like AI tools, like there are various AI tools, like ChatGPT is there, which is commonly used by students for their homeworks. And basically, these all are the part of the superhero team. Okay, so ma'am, it also helps us to connect globally with the people, like we can connect with the people globally, like in the meetings. And apart from this, like coins have two sides. Similarly, the technology also has two sides. Like there are also advantages, and so like it also has some benefits, but like in some ways it also harmful for us. Like we need to keep in our mind, like how can we protect ourselves from the frauds and the phone hackers and the activities like phishing and cyber crime and all. All right. Thank you, Disha. Okay, so we are done with the speaking segment as of now, Disha. So for the next segment, I'm going to ask you some case-based questions. Okay. And you have to answer me based on the values and the vocab that you use.
सिंस यू मेंशन टेक्नोलॉजी एंड यू मेंशन चैटजीपीटी एज वेल, यस मैम, सो इफ आई गिव यू अ चांस टू राइट योर होमवर्क विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी, वुड यू बी यूजिंग दैट? यस मैम. You would use that to usually find out the homework and all. Yes, ma'am. Okay, so what help do you actually get from ChatGPT in terms of doing your homework? Yeah, it helps me to write the articles. Okay. Like it helps me to find the keywords which I can use in my articles. Okay, so you find it useful? Yes, ma'am. All right. So assume, Disha, you were just walking in the washroom of your school. Okay. And you see that the tap is running. What would be your reaction on that? I will close the tap. You will turn off the tap? Yes, ma'am. I will turn off the tap. Okay. What if it's leaking and you are not able to turn that off? Then I think I should connect with the higher authorities. Higher authorities of the and the people who used to repair these things. Repair these things. Okay. All right. Theek hai. What if you go, you walk in a garden, okay, you're just moving in a garden and you see two small children are fighting. What would you do? What would be your action in that? First, I will stop them. Okay. Then I will listen to them why they're fighting. Okay. Then I will try to resolve the issue. Very nice. Good. Yes, ma'am. All right. So with this, we are done with the speaking segment. Are you done with your answers, Disha? Yes, ma'am. All right. You can give me the worksheet. Thank you, ma'am. Thank you so much. I'll let you know the marks. Okay, ma'am. Thank you.